तो इसमें है हमारा हेलमेट, माइक की वायरिंग है वो सारी की सारी इसमें पीछे आ जाएगी। ये छोटी सी केबल जो कि मेरी अंगुली की जितनी है, ये 900 रुपए की आई। यहाँ पे हमने हमारा माइक सेट कर दिया। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई है गाइज, बाकी हमने सब कुछ किया लेकिन हमारे माइक ने हमें धोखा दे दिया। चलो अब शुरुआत हो गई है हमारे मोटो व्लॉगिंग की। स्वीटी जी कर रही है खाट पे आराम, देखो इसे पता चल जाता है इसकी बातें चल रही हैं, तो ये पूंछ हिलाने लग जाती है। सुबह सुबह चिड़िया चहक रही हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। और सुबह के हो गए हैं 6:30, अभी जल्दी जल्दी से वीडियो एडिट करूंगा, फिर वीडियो आएगा 10 बजे, और उसके बाद में आज करेंगे मोटो व्लॉगिंग सेटअप को तैयार। हेलमेट पे माउंट लगाएंगे, उसके बाद में फोन अटैच करेंगे, फोन अटैच करने के बाद में उसमें माइक सेट करेंगे हेलमेट में, और फिर कहीं इधर उधर थोड़ा सा निकलेंगे, देखेंगे कि आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही है, व्यू कैसा आ रहा है। और आज हो चुकी है 9 तारीख और मेरा बर्थडे आता है 10 तारीख को, मतलब कि कल बर्थडे है। घर पे आज कोई नहीं है, मैं और धर्मपत्नी जी हैं। मम्मी चली गई है ननिहाल, बड़ी मम्मी चली गई है गांव, हमारी प्यारी बहन भी ननिहाल गई है, हमारे मौसी के लड़के जितने भी आए थे सारे चले गए हैं। तो सुबह सुबह लगी थोड़ी भूख, तो धर्मपत्नी जी बना रही है बिल का जूस, बहुत ध्यान रखती है हमारा। नहीं आप तो बस किसी में भी ले आना, बस ले आना। ओके, इसमें ला के दो कुल्लड़ में, कोई नहीं कुल्लड़ में ला देना। तो देखना ये होगा कि धर्मपत्नी जी कौन से गिलास में लाती हैं जूस। कांच वाले गिलास में लाए हो, थैंक यू, मैं भी थोड़ी फीलिंग ले लूंगा। ऐ कैसे जीभ लपलपाई, मालिक सब कुछ मुझे गिटा दे, तू मत पी लेना कुछ भी, तेरे को भी मिलेगा, रुक जा। जूस की बारी है हमारी स्वीटी की, हमने तो पी लिया है। स्वीटी पी ले, अब नहीं पिएगी तो तेरे को मार पड़ेगी। तो इसमें है हमारा हेलमेट, तो गाइस इसमें है हमारे आईफोन का जैक, और इसमें है हमारा माइक जो कि हमने मंगवाया था, ये एप्पल से मंगवाया था हमने, ये हमें 900 रुपए का पड़ा। ये माइक था 3.3 mm जैक का है ये, तो ये मुझे 400 रुपए का पड़ा अमेजोन से। और इसमें कुछ चटक पटक है जिन्हें हम फोड़ लेंगे, चलो इसको साइड में रखते हैं, अब इसमें देखते हैं क्या है। ये इसमें हमारा हेलमेट, हेलमेट के लिए मुझे 2 वाइजर मिले हैं, एक ब्लैक है एक वाइट है, ब्लैक 2 फेयर में बाहर जाने के लिए है, और इसमें हमारा प्यारा हेलमेट। हेलमेट काफी अच्छा है, ये रेड ब्लैक और ग्रे में है, कलर में है। ये मैंने मेरी स्कूटी के मैचिंग के लिए मंगवाया है, मेरी स्कूटी में भी ग्रे रेड और ब्लैक है, और ये भी ग्रे ब्लैक और रेड है। तो चलो देखते हैं, ये इसके कुछ कागजात हैं, इनको साइड में रखते हैं, सारा कचरा एक साइड में। और ये सिम माउंट है जिसमें हमारा फोन लगेगा हेलमेट पे, वो भी लगा के दिखाऊंगा मैं आपको। ये मुझे लगभग 250 रुपए का पड़ा, और हेलमेट की कॉस्ट है लगभग 1800 रुपए। इसमें हेलमेट पूरा ऑटोमेटिक है, बटन से ही वाइजर खुलता है, वापस बंद भी इसी से होता है। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके सारे स्टिकर उतारते हैं और इसे पुराना बनाते हैं। इस हेलमेट में सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे धो सकते हैं, ये वॉशेबल है, पूरा निकल जाता है। और इससे एक फायदा और है कि हमारा जितना भी माइक की वायरिंग है वो सारी की सारी इसमें पीछे आ जाएगी। ये छोटे से झोले में है हमारा माइक जो कि कल वाले ब्लॉग में आपने देख लिया होगा, वो नहीं देखा तो पहले वो ब्लॉग भी देख लो, काफी अच्छा है। और ये है हमारा 3.3 mm जैक का माइक, इसमें कुछ और चीजें भी है लेकिन ये हमारी फिलहाल काम की नहीं है, फिलहाल हमारी यही काम की है। ये छोटी सी केबल जो कि मेरी अंगुली की जितनी है, ये 900 रुपए की आई, और ये ओरिजिनली मंगवानी पड़ती है, डुप्लीकेट काम नहीं करती। तो इसमें हमारा ये जैक लगेगा, और ये लग जाएगा मेरे आईफोन के अंदर, इस साइड से आईफोन के अंदर लग जाएगी, इस साइड से माइक में लग जाएगी। चलो जल्दी से सेटअप करते हैं। तो इस माउंट को मैंने स्टेबल कर लिया है पूरा, और ये हेलमेट के यहाँ पे लगेगा, इसको पूरा लगाते हैं। ये इसकी रस्सियां हैं इसके साथ में, जिससे कि ये पूरा सेट हो जाएगा। अभी 2 मिनट में मैं इसे पूरा सेट कर देता हूँ। तो गाइस जी हमने सेट कर दिया है, अब इसके अंदर सेट करेंगे माइक, लेकिन उससे पहले माइक की एक आवाज की टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे कि माइक के बिना कैसी आवाज आ रही है और माइक के साथ कैसी आवाज आ रही है, और माइक एक्चुअली में काम तो कर रहा है क्या। चलो पहले माइक की टेस्टिंग करते हैं। तो ये है नॉर्मल आवाज जो कि मेरे फोन के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, और अभी मैं इसके दूसरा माइक अटैच करता हूँ जो कि मैंने मंगवाया है, इसकी आवाज देखते हैं कैसी होगी। तो अब जो आवाज आ रही है वो है इस माइक की आवाज, तो अभी तक मुझे पता नहीं है, मैं पहले चेक करूंगा, और अच्छी होगी जहाँ तक मुझे पता है, माइक काम कर रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अभी इस माइक को जल्दी से सेट करते हैं अपने हेलमेट में।
माइक लगाने के लिए हमें इन हुक्स को खोल के इसे बाहर निकालना पड़ेगा। अब इसे हमने पूरा खोल लिया है, यहाँ पे हमने हमारा माइक सेट कर दिया है। अब इस बारी है इसके तार को इनविजिबल करने की, मतलब छुपाने की। तो इसके तार को छुपाते हैं, ये ज़्यादा परेशान ना करे इसलिए। ये यहाँ पे हमारा माइक सेट हो गया है, यहाँ से हमारी ये केबल निकल चुकी है, इसमें आगे ये लग जाएगा हमारा जैक, यहाँ से ये लग जाएगा फोन में। अभी फोन सेटअप करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने इसका शीशा निकाल दिया था, ये वाला। तो अभी मोटो व्लॉगिंग का एक टेस्ट लेंगे, इसलिए धूप बहुत ज्यादा है, तो ये व्हाइट वाला शीशा मैंने निकाल दिया था, अब इसमें लगाएंगे ब्लैक वाला शीशा। तो चलो जल्दी से शीशा लगाते हैं और फिर फोन सेटअप करके निकल जाते हैं बाहर। तो हमारा शीशा तैयार है, अब इसमें फोन लगाएंगे और कहीं बाहर निकल जाएंगे। जोर दबा थोड़ा, यू भी लोग को जोर दबा। मैं थोड़ी सी दिक्कत हो गई है गाइज, यहाँ पे ये जो रबड़ है इसके कारण ग्रिप नहीं बन पा रही और ये शीशा बंद नहीं हो रहा है, तो इसको थोड़ा थोड़ा चक्कू से काटना पड़ेगा। कंटेंट भैया निकाल रहे हैं। तो गाइज कुछ ऐसा सेटअप होगा ये पूरा का पूरा, यहाँ केबल लगेगी इस साइड से आएगी और यहाँ पे जस्ट मेरे मुँह के पास में माइक है, अभी रिकॉर्डिंग इससे हो रही है, अभी इससे होगी, अभी इससे देखो और आवाज देखते हैं कैसी आएगी। आवाज आ रही है जो मेरे मुँह के पास हेलमेट में माइक लगा हुआ है उससे, मुझे पता नहीं है कैसा बन रहा है वीडियो। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन माइक थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसे अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले खाना खाएंगे। तो आज खाने में है दाल चूरमा, क्योंकि आज हमारी कुल देवता की धोक लगाई थी। तो मिस्टर कंटेंट जो आप करते हो वो ही करो, मतलब चूरमा दाल बाटी दुश्मनों का दे देंगे घोड़ा लाठी। बिल्कुल खाओ। तो खाना खाने के बाद मुझे लग गए 2 घंटे माइक को सही से सेट करने में, और अभी भी मेरी मनपसंद आवाज वहाँ माइक से नहीं आ रही है। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो जाता हूँ और शाम को देखेंगे, लेकिन इतने में मेरे एक दोस्त का कॉल आ गया, वो मुझे बुला रहा है, तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने हमारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप का एक ट्रायल भी हो जाएगा। मैं स्कूटी नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि स्कूटी इलेक्ट्रिक है, उसमें आवाज नहीं आएगी, मैं बाइक से टेस्ट करना चाहता हूँ कि आवाज कैसी आएगी। चलो अब शुरुआत हो गई है हमारे मोटो व्लॉगिंग की, तो सबसे पहले शीशा बंद करते हैं। शाम के 6:30 हो चुके हैं और मैं बाहर भी गया था, बाहर मैंने थोड़ी मोटो व्लॉगिंग करने की कोशिश भी की, लेकिन जो हमारा माइक था वो सेट नहीं हो पाया। हाँ बाय द वे, हमारे कंटेंट भैया ने कटिंग दाढ़ी करवा ली है, ये देखो इनका कुछ नया लुक, अब इंसान लग रहे हैं थोड़े, पहले वेस्ट इंडीज के लग रहे थे। तो थोड़ी सी आपको मैं क्लिप दिखाता हूँ कि जब मैं मोटो व्लॉगिंग करने गया या फिर जब मैं हेलमेट लगा के बाहर निकला तब कैसा साउंड आ रहा था, अभी आप देखो। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आवाज कैसी आ रही होगी, मैं जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ जाके ही मुझे देखना पड़ेगा कि आवाज सही से आ रही है या नहीं, लेकिन मुझे लगभग 2 घंटे लग गए थे। तो इसके बाद में मैं वापस घर आया, मैंने ये वीडियो देखी तो मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मैंने 2 घंटे लगाकर उस माइक को मेरे हिसाब से तो सही लगा दिया था, लेकिन फिर भी सेट नहीं हुआ। अभी मैंने एक दो मेरे दोस्तों से बात की है जो कि जिनका यूट्यूब चैनल है, जो कि सिर्फ मोटो व्लॉगिंग ही करते हैं, तो उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत टिप्स दी हैं फोन से रिलेटेड और माइक कहाँ लगाना है वो, तो अभी मैं वो लगाऊंगा, तो थोड़ा टाइम और लगेगा लेकिन लगाना ही पड़ेगा, क्या करें। शाम के टाइम पर ये देवर बाबी निकले हैं बाजार के लिए, बाजार में शॉपिंग करके लाएंगे, भाई क्या कर सकते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, हम जैसे लोग तो बाजार के नाम से डर जाते हैं। वैसे धर्मपत्नी जी आप लाने क्या वाले हो? ओके कोई बात नहीं, गजब बेचती है भाई। बड़ी मम्मी ने आज फिर से हमें एक एक चॉकलेट दी है, चलो जाने दो उन्हें बाजार में, हम तो इसे सेट करेंगे, आज इसका लक्ष्य है हमारा। तो काफी थकारने के बाद एक चीज का और सोल्यूशन निकला है, मेरा एक दोस्त है जिसका भी यूट्यूब चैनल है, मैंने बताया था वो भी फोटो व्लॉगिंग करता है, तो उसने कहा है कि एक ऑप्शन और हो सकता है कि आईफोन बढ़ा के आवाज रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसकी जगह एक बार ईयरफोन लगा के और देख। तो अभी बाजार से एक अच्छा ईयरफोन लाते हैं और उसे लगा के अच्छे से चेक कर। तो चलो अभी बाजार चलते हैं और बाजार से लाते हैं एक अच्छा वाला ईयरफोन, अभी आज ही करूंगा जो करना, कल पे नहीं छोड़ेंगे, कल तो हमें हमारा सेटअप कंप्लीट चाहिए भाई। तो मैं एयरफोन तो ले आया हूँ, लेकिन अभी अंधेरा होने वाला है और मुझे पता है जब तक मैं इसे सेटअप करूंगा तब तक अंधेरा हो जाएगा, तो हम इसे ट्राई नहीं कर पाएंगे। तो आज
नहीं होगा, कल करेंगे। कल हम फिर से हेलमेट में एयरफोन को सेटअप करके जैक लगा के फिर एक ट्रायल और करेंगे मोटो व्लॉगिंग का। बाहर बाइक लेके जाएंगे, फिर एक ट्रायल और करेंगे, उसमें देखते हैं, अगर अच्छा होगा तो ठीक है, वरना कुछ और इलाज करना पड़ेगा। बाकी हमने सब कुछ किया लेकिन हमारे माइक ने हमें धोखा दे दिया। कल के व्लॉग में देखेंगे। अभी ये देखो, ये इंसान ऐसे है कि रात को 8:30 बजे तक बाजार में घूमते हैं। अभी मुझे जाना है शादी में, और अभी इसको गाँव शादी में भी जाना है। इतनी लेट क्यों की भाई? भाई साहब, हमें सरकार की तरफ से मिला हुआ राइट टू फ्रीडम, मेरे जी में आएंगे वहाँ घूमूंगा, जी में आएंगे उतने दिन तक घूमूंगा, उतने टाइम तक घूमूंगा। बीपीएल कार्ड भी मिले थे? बीपीएल नहीं मिला। बीपीएल से क्या संबंध है? राइट और बीपीएल में बहुत फर्क है मेरे भाई। वो भी एक विशेष दर्जा है। बीपीएल मुझे घर वालों की तरफ से मिला हुआ है भाई साहब, तुम्हें बताऊं मैं, अगर इनसे मैं कुछ मांग लू ना, ये ला के तो देते हैं पर मुझे पहले रुलाते हैं। मुझे 100 मांगता हूँ 10 देते हैं, 1000 मांगता हूँ तो भी 10 देते हैं। तो रात के बज चुके हैं 9, और आज आपने देखा कि मैंने लगभग पूरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप कर लिया था, लेकिन माइक ने एंड टाइम पे धोखा दे दिया। चलो कोई नहीं, उसका एक इलाज तो हमने देख लिया है, वो कल करेंगे। अगर उससे हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, वरना कोई नया इलाज ढूंढेंगे। तो वीडियो यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आगे भी वीडियो बहुत शानदार आएंगे। और एक बात और, हमारे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, और जब आप ये व्लॉग देख रहे हो तो इसका मतलब कि आज मेरा बर्थडे है, और आई होप आप बर्थडे पे मुझे गिफ्ट देने के लिए 2000 सब्सक्राइबर तो करवा ही दोगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कौन सा पार्ट पसंद आया कमेंट करें, और सभी जल्दी जल्दी मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर दो कमेंट्स में। तो फिर मिलते हैं एक नए से वीडियो के साथ सुबह 10 बजे। बाय। बुल्ला के राज में पी रहे हैं गन्ने का जूस, बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी है, पुदीना डलवा के। पुदीना।